अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद छु तुम्हें यहाँ यूट्यूब चैनल में। आज इस मौजूस पे कथ कर द्रामित सो गो यह कि इस रात बड़गाम सहीबुक वह अकिस तस फीमेल से क्या वाक़ आव पेश कर यह आज नो सानी कशीर मंज कहीं 2019 पे एपिसोड वो वारियान जायन हर डिस्ट्रिक्स मं चाहे नॉर्थ हो साउथ हो सेंटर हो हर जगह हमने ये देखा। लेकिन हर डिस्ट्रिक्स में इस पर ये गो हर जगह हमने यही किया कि इसको फांसी दो इसको फांसी दो इसको फांसी दो। लेकिन मसला ये है कि ये वाकया क्यों पेश आ रहे हैं, वजह से यह है कि हम दो खुदा दीन से दूर हो रहे हैं। हमने इस्लाम को छोड़ दिया है, हमने इस्लाम को अपने घर से निकाल दिया है, अपने बच्चों को हमने वेस्टर्न कल्चर मॉडर्नाइजेशन ये सब चीज़ें हमने उनको सिखाई है लेकिन इस्लाम की तालीम हमने उनको कभी नहीं दी है। आज से सान घरों में हर जाए चाहे सोन बिन चाहे सोन बोय हर जाए आज इस्लाम निशन दो हर विज दूर गसान त्रो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन तरीक तम सुन तालीमात त्रो अगर अस तम सुन तालीमात आसे अपनोमस पन्ने जिंदगी मज आसे त्रो आइमस पन्नन घरकन आसे आइमस उम वाक्या अहन विकन पेश कहीं। यह गो इंडिया मजन एक रिसेंटली एक लड़कन कर पनी गर्लफ्रेंड कतल सें किल करे और तम पर करन तम सें बॉडी चॉप्स भरन फ्रिजस मज और वो आव ये कशीर मज ते अप्लाई करना कशीर हन लड़के ते लग वो ई करनी कि यस छ बसा सहल कि तिमन दी गवर्नमेंट दी तिमन पनिशमेंट तिमन छ पनिशमेंट ये तिमन छ वो पाई एस कोर ये मैंने ये चैलेंज पूरा किया है अब चाहे मैं जेल में रहूं चाहे मुझे फांसी दे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें रोकना हमारे लिए अब मुश्किल बन चुका है और ये दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे कम नहीं हो जाएंगे। क्यों बढ़ते जाएंगे? क्योंकि हमने इस्लाम को छोड़ा है, हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनी ज़िंदगी में लाया है, हमने वेस्टर्न कल्चर अपने घरों में लाया है। आज बाप के हाथों से बेटे का कंट्रोल निकल चुका है, कोई बाप अपने बच्चे का कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वजह क्या है? वजह यही है कि अस्त्रो दीन अस मुशरो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस कोर हर एतबार बेहाई गई आम 2019 पे सर्वे को ज़्यादा एपिसोड लग वशीर मे गशीर पूर दुनिया मं कश्मीरियत नश कश्मीरियत सत मशहूर इंसानियत नश त मशहूर मेहमान नवाजी नश त मशहूर और पिरवर यशी वन सारी वनान दियो फांस या डिस्ट्रिक्स मं ग नहर से यही लगा इसको फांसी दो दिख अमस फांस या अमस यह थोक जेल। मगर असल वजूहत अस ये वो कि नेक्स्ट टाइम गई चीज़ गु दपान कि जब इसको फांसी लगेगी जब इसको जेल में रखेंगे तो ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये सॉर्ट आउट नहीं हो जाएंगे जब तक ना हम मेन रूट पर जाएंगे कि ये क्यों होने लगा, इससे पहले क्यों नहीं होते थे, अब क्यों हो रहा है। अब इसलिए हो रहा है कि हम दिन ब दिन वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं और इस्लाम को हमारे घरों से अब ऐसा ऐसा जनाजा निकलने लगा है। वजह यही है हम कहते हैं कि कश्मीर में जो लड़का इस्लाम के ऊपर चला उसको हम कॉल करते हैं ही इज़ अ मौलवी, इसको हम मौलवी साहब कहते हैं। अगर कोई लड़का बियर्ड रखता है टोपी रखता है उसको कहते हैं ये मौलवी है, अब इसको अच्छे अच्छे काम करने बाकी अगर इसको कहीं गलती है उसको गलतियों को टोकेंगे। अरे भाई नहीं, हम सब मुसलमान हैं, हम सबों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इस्लाम को फॉलो करना है, हमें मोहम्मद रसूल सल्लम की स्टेप उसने हमें कहाँ पे किस जगह पे उसने हमें तरबियत नहीं की है, किस जगह पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें राह नहीं दिखाई कि यहाँ पे आपको क्या करना है। इस्लाम में सबसे पहले वो इस्लाम वाहिद वो मज़हब है, इस्लाम वाहिद वो मज़हब है जिसने औरतों को हुकूक दिए हैं, जिसने औरतों को बाप के विरासत में हिस्सा दिया है। किस मज़हब ने दिया है? लेकिन हमने इस्लाम को छोड़ा है इसलिए हमें औरतों की कदर नहीं है, इसलिए हमें माँ बाप की पहचान नहीं है, इसलिए हमें अपने बच्चों की पहचान नहीं है। वजह यही है कि हमने इस्लाम को छोड़ा है। जब तक ना हम उस रूट पे वापस आएंगे, उस ट्रैक पे वापस आएंगे जिस